शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं कार्यवाही में कोई संशय नहीं है, सीबीडीटी और चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ गई है और एमपी में कानून का राज है, जिसके चलते दोषी कोई भी हो कार्यवाही होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के उपवास पर तंज कसते हुए कहा कि इतना खाया है कि अब उपवास की डाइटिंग करनी पड़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश सरकार को किसान हितेशी बताया। दोषी कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी और इसलिए ये तय मान के चलो, कांग्रेस कितना भी ट्विस्ट कर ले इसको किसी ओर, उसकी बिंदु से जांच हुई है, अप्राइजल रिपोर्ट आ चुकी है, अप्राइजल रिपोर्ट में नामों के खुलासे सबके हो गए, इसलिए अब किसी और ये जो भी बात करे। देखो मित्रों, 28 तारीख को आई है और छिंदवाड़ा का बयान आया है उसके बाद, मतलब उन लोगों को मालूम था कि मुझे संन्यास क्यों लेना है, आराम करना क्यों चाहते हैं। अब कहाँ चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, पर क्यों चाहते हैं ये स्पष्ट था अप्राइजल रिपोर्ट के बाद। हम तब भी कहते थे कि मध्य प्रदेश का बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, अब सिद्ध हो गया। हम तब भी कहते थे कि सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कांग्रेस सरकार है, सिद्ध हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सदी के मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, अब सिद्ध हो जाएगा। सर, चौतरफा खाया है, आंगनवाड़ी का, बच्चों का, कुपोषण का माल राहुल गांधी तक खिला दिया। ये नहीं मालूम था कि मोदी जी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, यहां कोई भ्रष्टाचार वाला बचेगा ही नहीं। अब आप देख लीजिए, ओवर ईटिंग का परिणाम डाइटिंग तक आ रहा है। वो जानते हैं, उनके यहाँ ऐसे ही होते हैं चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कांग्रेस का तो कभी चुनाव हुआ ही नहीं है, वह परिवार चलता है और वही परिवार बाद परिणाम में भी आपको यहाँ दिखेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे किसानों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान का बेटा यहाँ पर मुख्यमंत्री है। जितने किसान हितैषी निर्णय मध्य प्रदेश में हुए आज तक, हिंदुस्तान में मेरी समझ में तो किसी सरकार ने नहीं किए। कृषि कैबिनेट का गठन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ, कृषि का अलग से बजट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा गया, 0% ब्याज, माइनस पे ब्याज पे किसान को पैसा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में दिया गया। सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टर तक सीमित समय में, निर्धारित समय में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ। आज़ादी के बाद से जितने ट्रांसफार्मर किसानों के लगे थे, उतने शिवराज सिंह जी की सरकार में फीडर सेपरेशन में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुए, और खेत को बिजली अलग, गांव को बिजली अलग, गुजरात के पैटर्न से मध्य प्रदेश में प्रदान की गई। लॉकडाउन के बावजूद भी, लॉकडाउन पीरियड में भी हमने किसानों का गेहूँ खरीदा और देश के अंदर नंबर वन बने, हमने पंजाब को भी पछाड़ दिया। हमने बीमा का पैसा डाला किसान को, सब्सिडी का पैसा डाला और आज 1600 करोड़ रुपया प्रथम किस्त के रूप में किसान को दी जा रही है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, किसानों को नगद राशि 6000 और मुख्यमंत्री ने 4000 मिला के 10000 रुपये की, ये भी एक उदाहरण है, इसके पहले कभी नहीं दिया गया। आप कल्पना करेंगे कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में, 10 साल में जो कर्जा माफ किया वो 1 लाख करोड़ के साइज आसपास था,
या 70,000 करोड़ था और यहाँ 6,000 रुपया महीना दे के प्रधानमंत्री हर साल 75,500 करोड़ उससे ज़्यादा हर साल दे रहे हैं, वहाँ 10 साल और यहाँ हर साल, ये ऐसी किसान की सरकार है। सर बंगाल की जिम्मेदारी आपको दी गई है, महत्वपूर्ण आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मुझे इस नाकाबिल को इस काबिल समझा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, उन्होंने विश्वास किया है तो उनकी कसौटी पर खरा उतरूं। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।